ओके, सो व्हाट इज़ DBMS? हमने कल बात की थी डेटाबेस की, कि डेटाबेस हमारे पास क्या होता है और इस चीज़ को हम किस तरह आगे लेके चलते हैं. सो हमने सिंपली बात की कि डेटाबेस क्या होता है, बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस. सो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास टेबल्स होते हैं और हम उस चीज़ को अपने डेटा को इन टेबल्स स्ट्रक्चर फॉर्म में स्टोर कर रहे होते हैं. नाउ व्हाट इज़ DBMS? सो DBM स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम डैट प्रोवाइड्स अ इंटरफेस एंड द टूल्स नीडेड टू स्टोर, ऑर्गेनाइज और मैनेज डेटा इन अ डेटाबेस. अ DBMS एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द डेटाबेस एंड द एप्लीकेशंस और यूजर्स डैट एक्सेस द डेटा स्टोर इन द डेटाबेस. तो ये तो आपकी इंग्लिश हो गई, आपने सुन ली. अच्छा, अब इसको सिंपल वर्ड्स में हम थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं. सो जो डेटाबेस होता है, बेसिकली कोई भी पर्सन है वो डायरेक्टली डेटाबेस को कॉन्टैक्ट नहीं करता, ठीक है. आपने नाम सुना होगा अपाचे ज़ैम्प का, उसके अलावा MySQL वर्कबेंच का, आपने ये दो के में नाम सुने होंगे. उसके अलावा भी हमने कल बात की थी, Oracle की बात की थी, हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात की थी, ये सारी बातें की थी. ओके, बट अभी हम अगर अपाचे ज़ैम्प की बात करें या MySQL वर्कबेंच की बात करें, तो ये पिक्चर उसके उस चीज़ के लिए बड़ी ज़रूरी है, इस चीज़ को समझना ज़रा. सो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल आप YouTube यूज़ कर रहे हो, तो आप यूज़र्स हो. ओके, अब यूज़र्स क्या कर रहे हो, आप एप्लीकेशन वन और एप्लीकेशन टू. एप्लीकेशन वन मीन्स कि आप मोबाइल से YouTube यूज़ कर रहे हो, एप्लीकेशन टू मीन्स के फॉर एग्ज़ाम्पल आप विंडोज़ से YouTube को यूज़ कर रहे हो. ओके, सो दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, बेसिकली एप्लीकेशन सेम है. अब दोनों जा कहाँ पे रहे हैं, दोनों डायरेक्टली कनेक्ट किससे कर रहे हैं, डेटा कहाँ से लेके आ रहे हैं, आपकी जो वीडियोज़ हैं वो DBMS से लेके आ रहे हैं. सो DBMS इज़ बेसिकली द सॉफ्टवेयर जो के एप्लीकेशन के अंदर, जो के मेनली यूज़र है और एप्लीकेशन उसके अंदर, और जो डेटा बेस है जहाँ पे वो सब कुछ पड़ा हुआ है, आपका आपकी मूवीज़ आपका वीडियोज़ वो पड़ी हुई हैं, उस डेटा बेस को आपस में कनेक्ट करवा रहा है, ठीक है. उस चीज़ को हम कहते हैं DBMS, उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं DBMS. डेटाबेस इज़ नॉट अ सॉफ्टवेयर, DBMS इज़ अ सॉफ्टवेयर. ओके, अच्छा अब एक चीज़ तो समझ आती है कि आप कहोगे कि यार ठीक है, यूज़र्स तो समझ आती है कि यूज़र एक एप्लीकेशन के पास गई, एप्लीकेशन डेटाबेस को उसने रिक्वेस्ट भेजी, डेटाबेस ने देखा कि डेटाबेस के अंदर DBMS ने देखा कि डेटाबेस के अंदर वो चीज़ अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल, उसने वहाँ से वो एक्सट्रैक्ट की और हमें दे दी. इतना समझ आता है. इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पर क्या काम है, ठीक है. तो कोई बता सकता है मुझे वैसे इधर ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है? एनीवन, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे क्या काम कर रहा है? जिन्होंने डेटाबेस पढ़ा हुआ है उन्हें आइडिया होगा प्रॉबेबली. अगर नहीं पता तो नो लिखो, अगर पता तो यस लिखो. एक्चुअली नहीं, रन नहीं, मेमोरी. एक चीज़ नोट करो कि जो डेटाबेस है, डेटाबेस तो आपका चीज़ों को स्टोर कर रहा है, बट अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि आपके मोबाइल के अंदर आपकी चीज़ें सारी स्टोर हो रही हैं, और वो एक्चुअली स्टोर कहाँ पे हो रही हैं, वो स्टोर डेटाबेस के अंदर तो नहीं हो रही, वो स्टोर हो रही हैं आपके हार्ड ड्राइव के अंदर या आपकी स्टोरेज है उसके अंदर, ठीक है. और वो स्टोरेज किसके साथ कनेक्ट है, या उस स्टोरेज को बेसिक डेटाबेस के साथ रन कौन करवा रहा है, वो करवा रहा है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. तो इन डेप्थ अगर हम चीज़ों को देखें तो वो चीज़ें तो सारी जाके हमारी जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनके ऊपर स्टोर हो रही हैं. तो बेसिकली उन स्टोरेज डिवाइसेस को, उन चीज़ को, सबको आपस में कनेक्ट को क्या कौन चीज़ करवा रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम करवा रहा है, ठीक है. और वो ऑपरेटिंग सिस्टम किसके साथ काम कर रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसके साथ बेसिकली काम कर रहा है कि डेटाबेस के साथ, ठीक हो गया. तो डेटाबेस यहाँ पे इस तरह को चीज़ कर रहा होता है, और
आप उसके अंदर, जैसे अभी इसको हम थोड़ा सा इधर करें कि फॉर एग्जांपल मैं इधर इसको कहता हूँ कि ये हमारे पास एक सा आ गया, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, DBMS है, ठीक है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल DBMS है, और इसके अंदर ये जो चीज़ है, क्योंकि एक DBMS के अंदर मल्टीपल डेटाबेसिस हो सकते हैं, बिकॉज़ DBMS एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर आपके पास एक से ज़्यादा डेटाबेसिस भी हो सकते हैं एक DBMS के अंदर। तो एक आपके पास डेटाबेस ये हो गया, देन आपके पास, अब ये आपके पास एक डेटाबेस आ गया, देन आपके पास फॉर एग्जांपल एक आपके पास ये एक डेटाबेस आ गया, ठीक है, तो ये आपके पास डेटाबेस आ गया। अच्छा, अब एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल कॉल वो हो सकते हैं, टेबल्स हो सकते हैं, ठीक है, एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं, तो ये हमारा एक डेटाबेस है, हमारा एक डेटाबेस है, तो इस तरह वो उस चीज़ को लेकर चल रहे होते हैं। बाकी उसके बाद हमारे पास जो ये चीज़ है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर आपके पास ये HDD के अंदर या SSD के अंदर चीज़ों को सबको स्टोर कर रहा होता है, तो आपकी स्टोरेज डिवाइस है, बाकी ये डेटाबेस है। तो ये अप्रोच आपको याद रखनी होगी, ये चीज़ कि बेसिकली काम किस तरह करी होती है, फॉर सबसे पहले यूज़र्स, देन एप्लीकेशन, देन DBMS जो सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस को मैनेज कर रहा होता है, उसको ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, देन डेटाबेस और ऑपरेटिंग सिस्टम आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे होते हैं और चीज़ों को स्टोर कर रहे होते हैं। आप मोस्टली जिस चीज़ के साथ कनेक्ट कर रहे होते हो, या आप ज़ैम्प को भी हम इंस्टॉल करना, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे उसको डाउनलोड कर सकते हो, जो आप ज़ैम्प यूज़ कर रहे होते हो बेसिकली, और उसको आगे आप PHP माई एडमिन में जाते हो, तो वो PHP माई एडमिन आपका DBMS है, जिसके अंदर आप मल्टीपल डेटाबेस को बनाओगे, हम उसको यूज़ भी करेंगे, ये आपका बेसिकली डेटाबेस हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं डेटाबेस कीज़ के ऊपर, डेटाबेस कीज़ क्या हैं। ओके, एक चीज़ आप याद रखना, हम डेटाबेस कीज़ से जाने के पहले मैं आपको एक चीज़ इधर और बता देता हूँ, वो बेटर हो जाएगा थोड़ा सा, इधर लिख देते हैं उसको। ओके, फंक्शंस ऑफ डेटा DBMS के कितने हो सकते हैं, कितने फंक्शंस उसके हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास आ जाता है डेटा मैनेजमेंट, ठीक है, द सेकेंड वन इज़ इंटेग्रिटी, हमने कल बात की थी इंटेग्रिटी की, जिसके अंदर आपके पास एक्यूरेसी प्लस कंसिस्टेंसी आती है, देन आपके पास आ जाती है कंकरेंसी, ठीक है, कंकरेंसी मीन्स के थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट को आप एक टाइम में पैरेलली और सिमल्टेनियसली एक्सेस दे पाओ मल्टीपल यूज़र्स को, देन आपके पास आ जाती है ट्रांजैक्शन, ठीक है, ट्रांजैक्शन आपके पास आ जाता है, देन आपके पास आ जाती है सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, और देन आपके पास आ जाती है यूटिलिटीज़। ओके, डेटा मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है, डेटा मैनेजमेंट को अगर मैं इधर एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो इट मीन्स कि आप डेटा को स्टोर कर सकते हो और आप डेटा को रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप डेटा को मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ओके, डेटा इंटेग्रिटी के अंदर क्या आ जाती है, वही चीज़ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को मैंने कल आपको डिटेल में बता दिया था, तो उसके एक्यूरेसी को हम ज़्यादा दोबारा नहीं करेंगे। एक्यूरेसी बस मीन्स यही है कि आपने जिस डोमेन का या जिस टाइप का डेटा वहाँ उसके अंदर ऐड करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपने इंटीजर्स ऐड करना है, तो वहाँ पे सिर्फ इंटीजर्स ऐड हो सकते हैं, नेम या कोई और चीज़ टेक्स्ट ऐड नहीं हो सकता, दिस इज़ कॉल्ड एक्यूरेसी, कि एक्यूरेट डेटा एंटर करें, और उसके बाद कंसिस्टेंसी, कि आपके डेटा के अंदर कंसिस्टेंसी हो, तो ये आपके पास वो चीज़ आ जाती है। बाकी अगर ये किसी को इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो आप कल वाला लेक्चर वन देख सकता है दोबारा। कंकरेंसी, कंकरेंसी का मीन्स मतलब ये है कि आप मल्टीपल रिक्वेस्ट को एक टाइम में एक्सेस करो, ठीक है, डेटा एक्सेस आपकी हो सके, ठीक, और उसके बाद ट्रांजैक्शन। ये चीज़ आप आगे पढ़ोगे भी, इसके अंदर हमारे पास एक लैंग्वेज भी पूरी होती है जिसको हम TCL कहते हैं, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन के अंदर आपको एग्जांपल बड़ी सिंपल से देता हूँ, उसके अंदर ये एग्जांपल है कि आपने डेटाबेसेस यूज़ किए होंगे, मे बी आपने जैस कैश यूज़ किया, जैस कैश ऑब्वियसली सबने यूज़ किया होगा, या अपनी बैंकिंग ऐप यूज़ की होगी। आप अगर किसी को ट्रांजैक्शन करते हो और आपकी ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से पैसे चले जाते हैं, कट हो जाते हैं, बट उसको नहीं पहुंचते, तो क्या होता है, आपकी ट्रांजैक्शन रोल ओवर हो जाती है, आपके पैसे वापस आ जाते हैं, ऐसे होता है या नहीं होता, किस किसने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है, कि जब आपके पैसे आपने भेज दिए, चीज़ हो गई, ट्रांजैक्शन हो गई, तो आपके पैसे अगर वो उसको नहीं पहुंचे, तो आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट रोल ओवर हो जाएगी, बैक आ जाएंगी पैसे, कंप्लीट ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाएगी, ठीक है।
सो ट्रांजैक्शन इधर उसका पर्पस ही डेटाबेसिस के अंदर ये होता है कि जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो, आइदर वो सक्सेसफुल होगा, इट मींस कि आइदर पैसे चले जाएंगे, और अदरवाइज़ वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। दरमियान में नहीं चीज़ कोई रहेगी कि हाफ हो गया है, 40% हो गया, 30% ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, ऐसे नहीं रहेगा। या तो वो कम्प्लीट हो जाएगा या वो कम्प्लीट नहीं होगा, ठीक है। जो भी मॉडिफिकेशंस हैं डेटाबेस के अंदर वो मस्ट आइदर बी सक्सेसफुल और मस्ट नॉट हैपन एट ऑल। तो ये चीज़ आपकी हो सकती है। उसके बाद हमारे पास सिक्योरिटी का आ जाता है। सिक्योरिटी के मीन्स आपके पास चीज़ ये आती है कि आप एक्सेस देते हो टू ऑथराइज्ड यूज़र्स, कि जो भी आपके ऑथराइज्ड यूज़र्स हैं आप उनको एक्सेस दे सकते हो, ठीक है। एडमिन है या आपने किस किस बंदे को, स्टूडेंट्स हैं तो उनको उतना डेटा आपने डेटा बेस में से दिया हुआ है इस चीज़ों को, तो ये चीज़ है आपकी। आप इसकी सिंपल एग्जांपल अपना स्टूडेंट पोर्टल रख सकते हो कि उसके अंदर आपके पास कई ऐसे कॉल होते हैं एलएमएस के अंदर आप देखोगे जहाँ पे आपको एक्सेस नहीं होती। उसकी यही पर्पज़ है कि आप स्टूडेंट वाला यूज़र हो, जो आपका एडमिन यूज़र है उसको वो एक्सेस होगी उस डेटाबेस के अंदर। तो सिक्योरिटी का यही पर्पज़ होता है। और यूटिलिटीज़ का पर्पज़ ये बेसिकली होता है कि आप डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, यूज़र मैनेजमेंट, आप अपने डेटा का बैकअप ले सकते हो, डेटाबेस का बैकअप, और वही लॉगिन लॉगिंग वो चीज़ें कर सकते हो। तो ये सारी यूटिलिटीज़ वो आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट मीन्स कि आप एक्सेल और सीएसवी फाइल्स के अंदर डेटा को निकाल सकते हो, ऐड कर सकते हो, तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो डीबीएमएस के अंदर। तो ये मेन डीबीएमएस के कुछ आप कह सकते हो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, फंक्शंस होते हैं। तो ये चीज़ हमने अभी डिस्कस कर ली। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको इधर देख लेते हैं। और वो जो हम पहले मैं बात कर रहा था इधर के, हम जो इधर सबसे पहले हम बात क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो डेटाबेस है हमारा, वो हमारे पास है MySQL, ठीक है, जो डेटाबेस हमारा है। और इस डेटाबेस के अंदर हमारे पास आगे दो ऑप्शंस आते हैं जो मेनली हम यूज़ कर सकते हैं। सो ए वन वन इज़ MySQL वर्कबेंच, ठीक है। तो आप इसको MySQL वर्कबेंच कर सकते हो, और द सेकंड वन इज़ अपाचे ज़ैम्प, तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आप कंपनीज़ की बात करो कि कंपनीज़ के अंदर मोस्टली MySQL वर्कबेंच यूज़ होता है, बट GUI के एतबार से अगर मैं बात करूं और मैं ये बात करूं कि यूज़र फ्रेंडली कौन ज़्यादा है, तो आई वुड रिकमेंड ज़ैम्प। तो हम मोस्टली काम ज़ैम्प पे भी करेंगे, और मे बी हम कभी बीच में वर्कबेंच को भी थोड़ा सा कर लें। दोनों का लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट है, UI UX थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी उनके अंदर क्यूरीज परफॉर्म करना, उनके एक्शंस और रिजल्ट्स हर चीज़ सेम है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। पैसे ही, ओके फनी, ओके। सो डेटाबेस कीज़ हमारे जाते हैं डेटाबेस कीज़ के ऊपर। सो डेटाबेस कीज़ क्या होती हैं? डेटाबेस कीज़ के अंदर हमारे पास एक चीज़ आ जाती है ज़ैम्प। क्या सेम ज़ैम्प भी वर्कबेंच की तरह ही है, जैसे जो आप वर्कबेंच पे काम करते हो, ज़ैम्प इज़ आल्सो एन वर्कबेंच इज़ आल्सो एन डीबीएमएस, ज़ैम्प भी डीबीएमएस ही है। बेसिकली ज़ैम्प डीबीएमएस नहीं होता, ज़ैम्प एक आपका एसक्यूएल सर्वर होता है जो आपको एक लिंक प्रोवाइड करता है पीएचपी माई एडमिन तक जाने का। तो पीएचपी माई एडमिन आपका डीबीएमएस होता है, तो हम उस पर काम करेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने अभी उसको डाउनलोड भी किया ज़ैम्प को, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो अपाचे फ्रेंड्स की वेबसाइट पे जाके। ओके, हम डीबी डेटाबेस कीज़ की बात करते हैं। सो डेटाबेस कीज़ क्या होती हैं? सो अ की इन अ डेटाबेस इज़ अ एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ टपल रो इन अ टेबल। कीज़ प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग द इंटेग्रिटी ऑफ अ रिलायबिलिटी इन अ डेटाबेस बाई इन्फोर्सिंग यूनिक कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन द डेटा एंड एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। तो ये डेफिनेशन थोड़ी सी ट्रिकी लग रही होगी, बट इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये बात मैं कर रहा हूँ कि एक की वो आपकी एक एट्रीब्यूट होता है, वो आपकी एक वैल्यू होती है जो आपकी एक किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। तो किसी भी रो को यूनिक बनाने के लिए जो आपको एक वैल्यू चाहिए और वो जो आपको एक कॉलम चाहिए, हम उसको की कहते हैं, ठीक है। नाउ दे आर मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा। आप की किस लिए यूज़ होती है? की आपकी यूज़ होती है आपकी डेटा इंटेग्रिटी के लिए। इंटेग्रिटी और कंस्ट्रेंट्स तीन तरह के होते हैं मेनली। आपके पास रिलेशनल इंटेग्रिटी होती है, डोमेन इंटेग्रिटी होती है,
और एक और इंटेग्रिटी, उसका क्या नाम था, हम उसके आगे बात करते हैं, मेरा माइंड से भी निकल गया। तो हम उस चीज़ को भी इम्पो उस चीज़ के अंदर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी कीज़। अब कीज़ मुश्किल नहीं है, बस कुछ इसमें ऐसे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कि जिसकी वजह से लगता है कि ये थोड़ी कन्फ्यूजिंग है, अदरवाइज़ कीज़ मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा इसमें अगर आप गौर करोगे तो आपको कीज़ लगेंगी कि सब कुछ से एक तरह की ही कीज़ हैं, बस उनके मीनिंग थोड़े से डिफरेंट हो रहे हैं। ओके, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सिंपलेस्ट एक एग्जांपल देता हूँ। सो सिंपलेस्ट एग्जांपल क्या है, इधर हम एक बनाते हैं टेबल। सो इधर फॉर एग्जांपल, वेट अ मिनट, सो मैं इधर एक टेबल ऐड करता हूँ। सो फॉर एग्जांपल, मैंने 3x3 का मैंने इधर टेबल ऐड कर दिया। ओके, सो अब मैं टेबल ऐड कर रहा हूँ, तो मैं इधर लिख देता हूँ लेट्स से रोल नंबर, ठीक है। तो इधर मैंने लिख दिया 1, 2, 3, और इधर लेट्स से मैं लिख देता हूँ नेम, और इधर मैंने लिख दिया हसन अली लेट्स से जैद। ओके, नाउ इधर हम लिख देते हैं ईमेल, ईमेल में मैं कर देता हूँ, या ईमेल नहीं, अभी हम इधर लिखते हैं, इधर हम लिख देते हैं डिपार्टमेंट लेट्स से। सो डिपार्टमेंट के अंदर आप कह रहे सी एस आ गया, ए आई आ गया, लेट्स से इधर सी डी एस आ गया, डेटा साइंस आ गया। ओके, तो होगा क्या यहाँ पे, ये चीज़ हमारे पास हो गई, हमारे पास एक टेबल आ गया, ये हमारा टेबल है एक जो मैंने बनाना था। अब हम एक पढ़ते हैं, सबसे पहले की हमारे पास कौन सी है, सुपर की। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, सो अ सुपर की इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स डेट यूनिकली आइडेंटिफाइज एनी रो विद इन द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच मीन्स RDBMS, जो हमारा मोस्टली कोर्स का भी नेम होता है RDBMS से होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसकी टेबल की, तो वो क्या कह रहा है कि एक सुपर की उन कॉलम्स का कॉम्बिनेशन है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकते हैं। अब यूनिकली आइडेंटिफाई का मतलब क्या है, रो एक यूनिक कॉलम है, आपको पता है रोल नंबर किसी का भी रिपीट नहीं हो सकता, जिसका एक रोल नंबर है उसका दोबारा वही किसी और पर्सन का वो रोल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो हर एक का रोल नंबर यूनिक होगा, तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा एक हम कह देते हैं इधर, हमारा जो रोल नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा। ओके, नेम रिपीट हो सकता है, डिपार्टमेंट रिपीट हो सकता है, बट क्या रोल नंबर प्लस जो आपका डिपार्टमेंट है, या रोल नंबर प्लस आपका नेम रिपीट हो सकता है? सोचो ज़रा, क्या रोल नंबर प्लस नेम रिपीट हो सकता है किसी भी बंदे का, जिसका एक रोल नंबर 1 है उसका नेम हसन है, तो क्या किसी और बंदे का रोल नंबर 1 और नेम हसन हो सकता है? बताओ, सो ही जाते हो? नो, राइट। ओके, सो हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं मल्टीपल कॉलम्स की। ओके, सो अब हम मैं कहता हूँ कि क्या रोल नंबर और डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख देता हूँ रोल नंबर और जो डिपार्टमेंट है, क्या वो सेम हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या आपके पास, अच्छा अब हमने एक एक देख लिया, नेम और डिपार्टमेंट रिपीट हो सकता है? हाँ हो सकता है, ऑब्वियसली एक नेम के डिपार्टमेंट के अंदर वो बंदा हो सकता है, तो ये हमारा यूनिक नहीं बन रहा, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। बट क्या इन तीनों का अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाऊं कि रोल नंबर प्लस नेम प्लस डिपार्टमेंट रिपीट हो सकता है, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, ये सब अब सुपर कीज़ हैं, दीज आर ऑल, जो भी यूनिक कॉम्बिनेशन बन रहा है ना आपकी की रोज़ का, कॉलम्स का आपस में, वो एक कॉलम हो, वो दो हों, वो तीन हों, वो जितने भी कॉलम्स हों,
जिन भी कॉलम्स का आपस में कॉम्बिनेशन बनाने से एक यूनिक चीज़ आ रही है, डैट इज़ योर सुपर की। ओके, क्लियर हो गया सुपर की क्या होता है? अब सुपर की आगे प्राइमरी कीज़ यूनिक हो, अभी हम प्राइमरी कीज़ पे आ रहे हैं, अभी हम सुपर की पे आ, सुपर की आपकी क्लियर हो गई। अब सुपर की अगर आपकी क्लियर हो गई है ना, तो आपकी ये फोर तक अल्टरनेट की तक क्लियर है सब कुछ, और बाकी कीज़ भी आपकी ऐसे ही हैं। अल्टरनेट की तक तो आपने कर लिया ना, अभी सुपर की मुझे बताओ क्लियर हो गई है? सुपर की क्या है कि कोई भी ऐसे यूनिकली कॉलम्स जो खुद को यूनिक आइडेंटिफाई करें, वो एक कॉलम भी हो सकता है और वो मल्टीपल कॉलम्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जितने भी यूनिक होंगे वो आपके बेसिकली क्या होंगे? सुपर कीज़ होंगी। ये क्लियर है तो यस लिखो। ओके, अब आ जाओ कैंडिडेट की के पास। कैंडिडेट की क्या होती है? सो कैंडिडेट की इज़ अ मिनिमल सुपर की, मीनिंग इट हैज़ नो रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ अ स्मॉलेस्ट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स डैट कैन बी यूज टू सिम यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल। सिंपल अल्फाज में इसका मतलब ये है कि आपके सुपर की के अंदर जो पूरा कॉम्बिनेशन है, ये अगर कोई भी एक की जो कि आपकी यूनिक बन सकती है, आप सिर्फ एक, फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर रोल नंबर प्लस नेम है और इसके अंदर रोल नंबर प्लस डिपार्टमेंट है, तो अगर एक कॉलम, कोई भी एक कॉलम, वो रोल नंबर है, वो ईमेल है, वो फ़ोन नंबर है, कोई भी कॉलम जो कि आपका एक कॉलम ही अगर यूनिक है और वो की बन सकता है, तो हमें दूसरे कॉलम की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया? हमें कॉम्बिनेशन की ज़रूरत ही नहीं है, रिडंडेंसी हमें नहीं चाहिए, हमें डुप्लीकेशन नहीं चाहिए। तो अगर हमारा एक कॉलम भी वो बन रहा है, रोल नंबर बन रहा है, चीज़ बन रहा है, तो हम उसे एक कॉलम को लेके ही चल सकते हैं। तो इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि इन अदर वर्ड्स, द सिंपलेस्ट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स डैट कैन बी यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो। तो एक कॉलम भी हमारा, जो भी एक कॉलम यूनिक है, वो हमारा कैंडिडेट की है। ये क्लियर है? कोई भी एक कॉलम सुपर की क्या थी? जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स यूनिक हैं, वो हमारा सुपर की है। अब हम कैंडिडेट की क्या होती है कि कोई भी एक कॉलम उन सब कॉम्बिनेशन में से, जो भी किसी भी कॉम्बिनेशन के अंदर जो एक ऐसा कॉलम है जो कि यूनिक है, वो हमारा कैंडिडेट की है। कोई भी ऐसा कॉलम जो यूनिक है, वो हमारा कैंडिडेट की है। नाउ कम्स टू द थर्ड की, विच इज़ प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या होती है कि उन सब कैंडिडेट की में से, अब हमारे पास 10 कैंडिडेट कीज़ आ गई हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास इधर ईमेल भी होती, तो इधर मेरे पास ईमेल भी थी, तो अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास इधर एक रोल नंबर यूनिक आ गया, कि मेरे पास इधर ईमेल यूनिक आ गई, दो यूनिक आ गई ना। अब मैं इन दोनों में से किसी एक को ही प्राइमरी की बना सकता हूँ। तो जो मैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि रोल नंबर को मैं प्राइमरी की बना देता हूँ, तो यहाँ पे अब रोल नंबर प्राइमरी की हो जाएगा, और जो ये है, ये दोनों जो होंगे, ये दोनों कैंडिडेट की होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैंडिडेट की होंगे, जब मैं इनमें से एक चूज़ कर लूँगा तो वो हमारा प्राइमरी की हो जाएगा, ठीक है? और जो दूसरी कीज़ रह जाएंगी, जिनको मैंने प्राइमरी कीज़ नहीं बनाया, वो हमारी अल्टरनेट की हो जाएंगी। ये डिफरेंस है बस। एग्जैक्टली, कैंडिडेट सब सुपर कीज़ होती हैं, सब आती मेनली आपकी सुपर कीज़ ही हैं। इसका मैं सिंपल आपको मिसाल ये देता हूँ, बड़ी लेमेंस की ही एग्जाम्पल होगी ये, कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये आपकी आवाम है, टोटल आपकी जो है पॉपुलेशन है, ठीक है, सुपर की, इसमें से आपके पास सारी आवाम है, हर चीज़ है। कैंडिडेट की आपने क्या किया कि आपने उन आवाम पूरी में से स्पेसिफिक लोग उठा के आपने कैंडिडेट कर दिए, और कैंडिडेट करके आपने उनको इलेक्शन में खड़ा कर दिया। 10 बंदे इलेक्शन में खड़े हो गए, अब उन 10 में से एक आपका जीत जाएगा, वो आपका प्राइमरी की हो जाएगा, और जो 9 नहीं जीतेंगे वो आपके अल्टरनेट की हो जाएंगे, ठीक है? ये आई डोंट नो डेटाबेस से रिलेट है या नहीं है, बट यही सोया। तो ये आपका इस तरह बेसिकली हायरार्की आ रही होती है ऊपर से। सब कॉम्बिनेशन जो कि यूनिकली होंगे, वो आपके सुपर की होंगे। उनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन के अंदर जो भी एक स्पेसिफिक यूनिक की होगी, यूनिक कॉलम होगा, वो आपका कैंडिडेट की बन जाएगा। कोई भी एक कॉलम, कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी एक कॉलम, वो आपका कैंडिडेट की बन जाएगा। और
जो उनमें से कैंडिडेट की 10 कैंडिडेट्स में से जो हमने एक चूज़ कर लिया एज अ प्राइमरी की, वो हमारा प्राइमरी की हो जाएगा, और जो बाकी जितने भी कीज़ बच जाएंगी, जो यूनिक होंगी, जो कैंडिडेट होंगी, वो हमारी अल्टरनेट कीज़ हो जाएंगी। ठीक है, सो आपको इस तरह इसको इतना समझ लो कि कैंडिडेट की माइनस प्राइमरी की इज इक्वल टू अल्टरनेट की। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी। ओके, नाउ एक थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट ये समझा जाता है काफ़ी चीज़ों के, कॉम्पोजिट की क्या होती है। तो कॉम्पोजिट की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये चीज़ आप थोड़ी नोट कर लेना कि कॉम्पोजिट की क्या होती है। सो कॉम्पोजिट की पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि कॉम्पोजिट की इज़ अ प्राइमरी की डैट इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट्स। कॉम्पोजिट कीज़ आर यूज वैन अ सिंगल एट्रीब्यूट इज़ नॉट सफिशियंट टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल इन अ टेबल। कॉम्पोजिट की का मतलब ये है कि एक आपके पास कॉलम सारे हैं, बट उनमें से कोई ऐसा कॉलम नहीं है जो कि आपका एक रिलेशनशिप यूनिक हो। मतलब आपके पास कोई ऐसा कॉलम नहीं है जो आपको यूनिक उस चीज़ को बना रहा है। तो आपको उस वक्त क्या करना चाहोगा, आपको उस वक्त दो एक एक कॉलम तो आप यूनिक नहीं बन पा रहा ना, तो उससे क्या होगा कि आपको दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स को आपस में मर्ज करना होगा, आपस में कंबाइन करना होगा टू मेक अ यूनिक कॉम्बिनेशन। तो उस चीज़ को हम कहते हैं कॉम्पोजिट की। इसकी एग्जांपल मैं बड़ी सिंपल आपको ये देता हूँ कि हम फॉर एग्जांपल कहते हैं, इधर दो कॉलम बनाया, हम टेबल्स बनाते हैं, एक टेबल ये है, एक टेबल ये है, और एक टेबल हमारे पास ये है। सो दिस टेबल कंसिस्ट स्टूडेंट्स, दिस टेबल कंसिस्ट कोर्सेज, एंड दिस टेबल कंसिस्ट इनरोलमेंट्स। ठीक है, अब इस टेबल के अंदर मैं एक चीज़ आपको कहता हूँ, और इधर भी मैं एक चीज़ ये है कि ओके, सो इस टेबल के अंदर हम बात एक करते हैं कि ये हो गया आपकी कोर्स आईडी, ठीक है, स्टूडेंट आईडी। तो ये आपकी स्टूडेंट आईडी हो गई, ये आपकी कोर्स आईडी हो गई, ओके, सो ये आपकी इनरोलमेंट आईडी हो गई। ओके ओके, सो जब हम इनरोलमेंट पे आएंगे, तो मैं अगर इनरोलमेंट में यहाँ पे टेबल बनाता हूँ, एक टेबल ये बनाया, एक टेबल ये बनाया, तो यहाँ पे तो आ गया कि ये स्टूडेंट था, उसका नेम था, फॉर एग्जांपल उसका नेम हसन था, और उसने पाइथन के किसी कोर्स के अंदर या आर लैंग्वेज किसी कोर्स के अंदर पाइथन में उसने कोर्स किया। अब जैसे मैं इनरोलमेंट पे आऊँगा, तो मैंने जब इनरोलमेंट का टेबल बनाना होगा, मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे यहाँ इन दोनों डेटा रिलेशंस में से मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि किस स्टूडेंट ने, उसकी क्या स्टूडेंट आईडी थी, और उसने किस कोर्स के अंदर, किस कोर्स आईडी मींस के किस कोर्स के अंदर इनरोल किया। तो मैं क्या कहूँगा यहाँ पे कि स्टूडेंट आईडी एक आ जाएगी और कोर्स आईडी एक आ जाएगी, और आगे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि प्राइस आ गई है। ठीक है, ये चीज़ मैंने मिसाल दे दी है। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि इन तीनों में से, कोर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी और प्राइस में से कोई भी कॉलम आपका यूनिक बन सकता है? टेल मी, कोई भी कॉलम आपका यूनिक है? थोड़ा सा लॉजिकली सोचो। जो आपकी स्टूडेंट आईडी है, सो स्टूडेंट आईडी आपकी नहीं, स्टूडेंट आईडी है या कोर्स आईडी है, आप थोड़ा सा सोचो ज़रा। स्टूडेंट आईडी का मतलब क्या है कि एक पर्सन है, उसने ये कोर्स करना है। सो एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज कर सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल इधर स्टूडेंट आई डी 1 थी, उसने कोर्स किया पाइथन का, ठीक है, और एक इधर स्टूडेंट आई डी दोबारा उसकी आ गई 1, एक आगे फिर जाके उसकी स्टूडेंट आई डी आ गई 1। अब वो पाइथन के कोर्स के साथ अब वो क्या कर रहा है, वो C++ का कोर्स भी कर रहा है, ठीक है, वो C++ का कोर्स भी कर रहा है। तो अब स्टूडेंट आई डी तो रिपीट हो गई, तो दिस कैन नॉट बी बिकम एन प्राइमरी की। सेम कोर्स आईडी में आओ, कोर्स आईडी में इधर स्टूडेंट आईडी किसी की 2 थी, वो भी पाइथन का कोर्स कर रहा है, तो अब पाइथन और पाइथन दोबारा रिपीट हो गया। तो ये चीज़ तो हमारी कंपोजिट की नहीं बन सकता प्राइमरी की। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हम स्टूडेंट आईडी प्लस कोर्स आईडी का कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि कोई भी को बंदा जिसकी स्टूडेंट आईडी 1 है, वो पाइथन का कोर्स एक दफ़ा ही कर सकता है, वो दोबारा पाइथन का कोर्स 1 स्टूडेंट आईडी वाला नहीं कर सकता। कोई और करेगा आगे तो करेगा, बट वो सेम बंदा नहीं कर सकता।
तो जब हम कॉम्बिनेशन बना लेंगे तो फिर स्टूडेंट आईडी प्लस जो हमारे पास कोर्स आईडी होगी, तो ये कॉम्बिनेशन जो हमारा होगा दिस इज़ कॉल्ड कॉम्पोजिट की। क्लियर हुआ? दिस इज़ कॉल्ड कॉम्पोजिट की। ऐसे आप हमारा अपना लेके चलते। ओके, सो सरोगेट की क्या होती है, ये आप कंपोजिट के बाद चलते। सरोगेट, सो सरोगेट की का बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है कि जहाँ पे आपके पास प्राइमरी की अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। उसकी सिंपल एग्जांपल ये दे देता हूँ कि मैं इधर लेट्स सी, आपने कह दिया कि नेम लिखा हुआ है किसी बंदे का, उसकी डिग्री लिखी हुई है और उसकी यूनिवर्सिटी लिखी हुई है। अब इन तीनों में से आप प्राइमरी की बनाई किसी को नहीं सकते। नेम भी रिपीट हो सकता है, डिग्री भी रिपीट हो सकती है, यूनिवर्सिटी भी रिपीट हो सकती है, नेम एंड डिग्री भी रिपीट हो सकती है। आपस में कॉम्बिनेशन ट्राई करके देख लो ना, पर कोई भी कॉम्बिनेशन सेम हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक ही नेम का किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, फॉर एग्जांपल सीएस कर रहे हो, हसन नाम का बंदा कंप्यूटर साइंसिस की डिग्री के अंदर एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक से ज़्यादा हो सकता है। एक से ज़्यादा हसन सीएस के अंदर यूएमटी के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी यूनिक नहीं है। तो इसको यूनिक बनाने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम अपने से एक आईडी का या रोल नंबर का या किसी चीज़ का कॉलम ऐड कर देते हैं, और उसको हम कोई आईडी का, रोल नंबर, कोई नाम दे देते हैं। तो जो हम ये चीज़ अपने से ऐड कर रहे हैं जस्ट टू बिकम अ यूनिक, जस्ट टू क्रिएट अ यूनिक कॉलम, तो उस चीज़ को हम कहते हैं सैरोगेट की, ठीक है। तो आपके पास ये सैरोगेट की आ जाती है। ओके, देन द लास्ट वन इज़ फॉरेन की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट की है, इसकी मैं एग्जांपल आपको इधर देता हूँ जो मैंने अभी किया था। सो फॉरेन की बड़ी सिंपल की होती है कि फॉरेन की ये चीज़ होती है कि किसी भी टेबल की प्राइमरी की जो किसी दूसरे टेबल के अंदर यूज़ हो रही हो, तो वो किसी दूसरे टेबल के अंदर फॉरेन की होगी। फॉर एग्जांपल इसके अंदर स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर ये स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की थी, कोर्स वाले टेबल के अंदर ये कोर्स आईडी प्राइमरी की थी, बट जैसे ही मैंने इसको एनरोलमेंट वाले टेबल के अंदर ये कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी लिखी, तो अब ये स्टूडेंट आईडी मैंने इधर लिखी, कोर्स आईडी भी मैंने इधर लिखी। अब स्टूडेंट आईडी यहाँ पे प्राइमरी की थी, वो जैसे ही इनरोलमेंट वाले टेबल के अंदर आई तो वो फॉरेन की बन गई। कोर्स आईडी यहाँ पे प्राइमरी की थी इस कोर्स वाले रिलेशन के अंदर, बट जैसे ही वो इस इनरोलमेंट वाले के अंदर आई वो फॉरेन की बन गई। तो फॉरेन की बेसिकली आपकी ये चीज़ होती है। ओके, कीज़ के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम? यस और नो लिखो यार, टाइम नहीं है, जल्दी से हमने आगे जाना है। कोई क्वेश्चन कीज़ के रिलेटेड? ओके, नाउ आगे चलते हैं। सो कार्डिनैलिटी ऑफ द रिलेशनशिप मैं आपको बता देता हूँ। कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशनशिप, सो कार्डिन रिलेशनशिप क्या होता है, फिर आपस में रिलेशंस बनाते हैं। अब रिलेशंस है ना, रिलेशन मीन टेबल्स, जो ये टेबल्स होते हैं ये आपस में रिलेशन बना रहे होते हैं। सो रिलेशन तीन तरह के हो सकते हैं, मैं पहले आपको डेटा इसकी डेफिनेशन पढ़ के सुना देता हूँ। एक मिनट। ओके, सो कार्डिनैलिटी इन द डेटाबेस रिलेशनशिप रेफर्स टू द नंबर ऑफ अक्रेंसीज ऑफ एन एंटिटी इन रिलेशनशिप विद अनदर एंटिटी। इसके आगे इंग्लिश बड़ी मुश्किल से इंग्लिश लिखी हुई है कि कार्डिनैलिटी डिफाइंस द नंबर ऑफ इंस्टांस ऑफ वन एंटिटी दैट कैन बी एसोसिएटेड विद अ सिंगल इंस्टांस ऑफ द रिलेटेड एंटिटी। बट इन सिंपल वर्ड्स, किसी भी कॉलम की एंटिटीज का आपस के अंदर जो रिलेशनशिप है, उसका कनेक्शन है, उसको आप कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशनशिप कहते हो। सो देयर आर थ्री काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स, वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। वन टू मैनी रिलेशनशिप की मैंने इधर नीचे थोड़ी सी एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, वो आप इधर देख सकते हो। सो पर्सन और एक उसका ड्राइविंग लाइसेंस, या फ़ोन नंबर और एक पर्सन, या रोल नंबर और एक स्टूडेंट, ये सारे आपस में क्या हैं, वन टू वन रिलेशनशिप है। कि एक पर्सन को एक ही ड्राइविंग लाइसेंस अलाट हो सकता है, एक स्टूडेंट को एक ही रोल नंबर अलाट हो सकता है, एक ही इंसान को एक ही फ़ोन नंबर अलाट हो सकता है, सेम ऑब्वियसली करेक्टर्स का। तो ये सारे क्या चीज़ें हैं, एक पर्सन का एक चीज़ के साथ रिलेशनशिप, इसको हम कहते हैं वन टू वन रिलेशनशिप। नाउ द सेकंड चीज़ इज़ वन टू मैनी रिलेशनशिप। तो वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या होता है कि एक स्टूडेंट है और उसकी, फॉर एग्जांपल जिस वो कॉलेज में पढ़ता था उसकी ब्रांच, या आप उसको डिपार्टमेंट कह लो, कुछ भी कह लो, तो एक यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के अंदर, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट तो एक है, बस उसके अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बट डिपार्टमेंट एक है। स्टूडेंट हज़ार हो सकता है बट डिपार्टमेंट एक है, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड वन टू मैनी रिलेशनशिप। जैसे नीचे ने लिखा हुआ है रेस्टोरेंट और स्टूडेंट्स, तो रेस्टोरेंट आपका मल्टीपल जो हो, मतलब एक ही रेस्टोरेंट होगा बट उस पर ऑर्डर्स मल्टीपल आ सकते हैं। आप भी ऑर्डर कर सकते हो, शाहान भी ऑर्डर कर सकता है,
माहम ऑर्डर कर सकती है, सरिश ऑर्डर कर सकती है, तो मल्टीपल लोग ऑर्डर कर सकते हैं बट रेस्टोरेंट में भी एक होगा. ओके सो नाउ ये आपका मेनली हो जाएगा वन टू मैनी रिलेशनशिप. इसकी बड़ी और भी एग्जाम्पल्स बन सकती हैं तो वो आप सोच सकते हो. उसके बाद आपके पास एक चीज़ आ जाती है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप. अब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या होता है कि जैसे मैंने लिखा हुआ है स्टूडेंट और कोर्स, एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज में इनरोल कर सकता है और एक कोर्स मल्टीपल स्टूडेंट्स कर सकते हैं. तो दोनों आपस में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं. ठीक है, रेस्टोरेंट्स भी सेम है कि एक रेस्टोरेंट के पास मल्टीपल मेन्यूज़ के अंदर आइटम्स हो सकती हैं और एक आइटम मल्टीपल रेस्टोरेंट्स के अंदर हो सकती है. ठीक है, मतलब बिरयानी जो है वो 10 रेस्टोरेंट्स के अंदर हो सकती है और जो 10 रेस्टोरेंट्स हैं वो मल्टीपल चीज़ों को होल्ड भी कर सकते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप. इसकी आप और एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक. फॉरेन की प्लीज़ रिपीट. ओके सो फॉरेन की इज सिंपल कि क्या होती है फॉरेन की. फॉरेन की कुछ भी नहीं होती बेसिकली, वो प्राइमरी की होती है बट किसी दूसरी टेबल के अंदर. जब आपकी प्राइमरी की आपके का अच्छा एक मैं मिसाल देता हूँ कि आप अपने घर में पाकिस्तान के अंदर प्राइमरी बंदे हो आप, मतलब अपने घर के अंदर आप बड़े इंपॉर्टेंट बंदे हो. ठीक है, आपकी जो वैल्यू है वो प्राइमरी है. जैसे ही उस इम्पोर्टेंट बंदा, वो प्राइमरी बंदा अपने घर से निकल के नेबर्स के घर में जाएगा, वो फॉरेन बन जाएगा. सिर्फ उसने अपनी जगह चेंज की और उसकी जो वैल्यू थी, उसका जो स्टेटस था, वो चेंज हो गया. पाकिस्तान से आप बाहर जाओगे आप फॉरेन बन जाओगे. ठीक है, सेम चीज़ एक टेबल के अंदर जो प्राइमरी की होती है वो जैसे ही किसी दूसरे टेबल के अंदर जाएगी ना, वो फॉरेन की बन जाएगी. किसी एक टेबल की प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल के अंदर जैसे ही जाएगी वो फॉरेन की बन जाएगी. तो ये बेसिकली होता है, वो रिलेशनशिप शो करवा रही होती है. क्लियर हुआ? ओके सो कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप ये होता है आपका बेसिकली वन टू वन. और ये आपकी के रिलेशनशिप क्या है आपका, तो ये आपको आइडिया हो जाएगा और ये आप हम आगे करेंगे भी, बट आप इसको अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप कर लेना. ओके, डेटा इंटेग्रिटी और कंस्ट्रेंट, इसको आप डेफिनेशन की जल्दी से पढ़ लो. इसके अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है क्योंकि जो हमने कीज़ थी हमने वो ज़्यादा पढ़ ली है, तो अब हमें कीज़ जो चूँकि हमने आगे पहले पढ़ ली है तो हमें इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी. हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं सबसे पहले. तो डेफिनेशन की क्या होगी कि डेटा इंटेग्रिटी रेफर्स टू मेंटेनिंग एंड अशोरिंग द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा. तो वही चीज़ है कि डेटा इंटेग्रिटी आपने प्रोवाइड करनी है थ्रू इट्स इंटायर लाइफ साइकिल. डेटा बेड इंश्योर्स डेटा इंटेग्रिटी थ्रू कंस्ट्रेंट्स विच आर यूज टू रिस्ट्रिक्ट डेटा डेट कैन बी एंटर्ड और मॉडिफाइड इन द डेटा बेस. आप इसको अभी खुद समझ सकते हो कि जब भी हम एक्यूरेसी की बात करते हैं कि डेटा आप किस तरह का ऐड कर सकते हो, कि आप जिस तरह का डेटा ऐड करना चाहो, इंटीजर, फ्लोट, टेक्स्ट, वही डेटा ऐड हो, तो उस चीज़ को जब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि डेटा सिस्टम इंश्योर करते हैं डेटा इंटेग्रिटी को किसके थ्रू, कंस्ट्रेंट्स के थ्रू. किस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि जो भी डेटा आप एंटर कर रहे हो या मॉडिफाई कर रहे हो वो उस एक्यूरेट हो. डेटा बेस ऑफर्स थ्री टाइप्स ऑफ इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, थ्री टाइप्स कौन से होते हैं, वो थ्री टाइप्स के आपके पास मेनली ये होते हैं. फर्स्ट वन इज़ एंटिटी इंटेग्रिटी, सेकेंड इज़ डोमेन इंटेग्रिटी, द थर्ड वन इज़ रेफरेंशियल इंटेग्रिटी. एंटिटी इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक किसी भी कॉलम के अंदर किसी भी एक एंटिटी की एटलीस्ट एक प्राइमरी की लाजमी हो. इधर मैंने जो लिखा हुआ है इनफोर्स थ्रू, ये चीज़ है कि ये आपकी जो इंटेग्रिटी है वो किसके थ्रू अचीव कर सकते हो आप. तो एंटिटी इंटेग्रिटी जो आप अचीव कर सकते हो वो आप प्राइमरी की के थ्रू अचीव कर सकते हो. ठीक है, और सेकेंड इंटेग्रिटी जो होती है वो डोमेन इंटेग्रिटी होती है. सो डोमेन इंटेग्रिटी आप किस तरह अचीव कर सकते हो, ये इसकी आप डेफिनेशन पढ़ लेना. डोमेन इंटेग्रिटी आप किस तरह अचीव कर सकते हो, वो आप चीज़ कर सकते हो डेटा टाइप्स और चेक कंस्ट्रेंट्स के थ्रू. डेटा टाइप मींस के वही इंटीजर, कैरवा, वेरकार, डेट एंड टाइम, इस तरह के डेटा टाइप्स. और चेक कंस्ट्रेंट्स के आप उसकी वैल्यू उसी तरह के अंदर ऐड करो. ठीक है, ये चीज़ हो सकती है. तो डोमेन इंटेग्रिटी आप उसके थ्रू ऐड कर सकते हो. उसके बाद आपके पास आ जाती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट भी होती है, वो आपके पास आ जाती है रिफरेंशियल इंटेग्रिटी. रिफरेंशियल इंटेग्रिटी आप किस तरह अचीव कर सकते हो, जो हमने अभी बात की फॉरेन की, फॉरेन की बात की कि ईच वैल्यू ऑफ अ कॉलम इन अ टेबल मस्ट एग्जिस्ट एज अ वैल्यू ऑफ अनदर कॉलम इन अ डिफरेंट टेबल. ईच वैल्यू ऑफ अ कॉलम इन अ टेबल मस्ट एग्जिस्ट एज अ वैल्यू ऑफ अनदर कॉलम इन अ डिफरेंट टेबल. ठीक है, और सेम टेबल. ठीक है, तो जब दूसरी वो चीज़ में जाएगी तो वो आपकी ऑब्वियसली फॉरेन की काम कर रही होगी. तो वो इंटेग्रिटी जो हम अचीव कर रहे होंगे वो रिफरेंशियल इंटेग्रिटी होगी. तो इसको जब हम आगे करेंगे तो आपको थोड़ा सा इसका आइडिया भी होगा ईआरडी डायग्राम के अंदर.
ओके, अब हम आ जाते हैं एसक्यूएल कमांड्स के ऊपर। तो कितना टाइम पीछे रह गया? सो 5 मिनट। ओके, सो ज़्यादा इसमें नहीं है। आइए डायग्राम थोड़ा सा करेंगे, बट वो लेट्स सी कैसे रहता है। रनुजा इतना टाइम क्यों ले रहा है, जल्दी कर। ओके यार, इसको क्या हुआ है? ओके, सो ये आ गया। सो ये चीज़ आप इधर लिखो। सो एसक्यूएल कमांड्स की जो मैं बात कर रहा था, सो अब हम आ गए हैं एसक्यूएल के ऊपर। एसक्यूएल कमांड डेटाबेस को हमने पढ़ लिया, डेटाबेस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम आ गए हैं एसक्यूएल के ऊपर। सो एसक्यूएल के अंदर मेनली आपके पास 4 लैंग्वेजेज़ होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ DDL, द सेकेंड वन इज़ DML जो मोस्ट यूज लैंग्वेज होती है, द थर्ड वन इज़ DCL एंड द फोर्थ वन इज़ TCL। DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसके अंदर आप क्या कर करते हो, आप अपने डेटाबेसिस को क्रिएट करते हो, आल्टर करते हो, ड्रॉप, रीनेम, टर्निकेट, कमेंट, ये सारी चीज़ें अपने डेटाबेसिस के अंदर कर रहे होते हो। द सेकेंड और द मोस्ट यूज लैंग्वेज इज़ DML। DML स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसके अंदर आप पूरी क्वेरीज को, हर चीज़ को इंसर्ट और क्रड के जितने ऑपरेशंस, मैंने काम में कल बात की थी ना, क्रड होता है आपका, वो क्रड के जितने ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर रहे होते हो वो आपका DML के अंदर कर रहे होते हो। तो ये लैंग्वेज आपकी उसके काम आ रही होती है। एंड द देन दो लैंग्वेजेस और आपके पास आती हैं, DCL। DCL स्टैंड्स फॉर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज और TCL स्टैंड्स फॉर ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ये चीज़ जो हमने ट्रांजेक्शन की बात की थी, रोल बैक, कॉमिट और सेट ट्रांजेक्शन, ये सारी चीज़ें आपके पास इस लैंग्वेज के थ्रू आ रही होती हैं। तो हम जो मोस्टली करेंगे और जो हमारा मेन काम होगा वो हमारा इन दो के साथ होगा। बाकी आप इसके अलावा इन दो को भी कर सकते हो, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप करना चाहो तो आप इसको कर सकते हो। ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत इजीली अवेलेबल होंगे आपको, ये बहुत ज़्यादा काम भी नहीं है इसका, मेनली काम है DDL और DML का। तो हम स्टार्ट DDL से करेंगे, डेटाबेसिस को क्रिएट कैसे करते हैं वो चीज़ देखेंगे, उसके बाद फिर हम DML पे जाएंगे। DML में देखेंगे कि आप क्यूरीज लिखते कैसे हो, DML की, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की, ठीक है। और उसके बाद जैसे हम ये चीज़ हो जाएगी तो हम फर्दर ऑन आगे चले जाएंगे। जो हमारे पास मेन काम होता है ER डायग्राम का, ER डायग्राम सेम चीज़ होती है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटिटीज़ एंड देयर रिलेशनशिप विच हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग डाटा इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्चुअल डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन। सो इसमें होता क्या है बेसिकली, कि नाम क्या होते हैं कि एंटिटी एट्रीब्यूट, और सिंपल ER डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द एम्प्लॉय एंटिटी अलॉन्ग विद इट्स एट्रीब्यूट इज प्रेजेंटेड बिलो। तो इस तरह बेसिकली आप एंटिटी डायग्राम बनाते हो, एंटिटी नेम, प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स और नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स। सबसे पहले ऊपर आपके पास वो, जैसे आपने देखा होगा वो होता था ना, C++ के अंदर आप वो डायग्राम बनाते हो, क्या उसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट डायग्राम और क्लास डायग्राम। तो ये वो सेम तो नहीं होती, बट उस तरह आप डायग्राम इसके अंदर भी बना रहे होते हो, जस्ट टू शो यू कि आपका पूरा डेटाबेस है किस तरह का। तो इसका एक बड़ा मज़े क्या, ऑनलाइन का टूल है एक जो कि आप यूज़ कर सकते हो, उसको कहते हैं लूसिड चार्ट, LUCID चार्ट। उस पे जाके आप अपनी ER डायग्राम्स बना सकते हो। मैं उसको ऐडअप भी कर दूंगा इसके अंदर, इस जो अब आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी उसके अंदर मैं लूसिड चार्ट को ऐड कर दूंगा। तो आप इस ER डायग्राम को उसके अंदर देख सकते हो कि वो कैसे बनाते हैं। बाकी इसके अलावा कोई क्वेश्चन अभी तक, क्योंकि इसके अंदर अब ख़त्म होने वाला है, तो हम ER डायग्राम को थोड़ा सा रिपीट नेक्स्ट क्लास में लाजमी करेंगे, बट अभी तक मेनली यही हो गया। ER डायग्राम थोड़ा सा हम रिपीट करेंगे इसको एक्सटेंसिवली और ज़्यादा, बट इसके अलावा कंप्लीट हो गया। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? अबाउट 10 सेकेंड्स हैं, अगर किसी का है तो वो पूछ सकता है, ग्रुप में भी पूछ ले, अदरवाइज हम उसको उसमें अंदर रिपीट कर देंगे। ओके, सो कल हम DDL अपना स्टार्ट करेंगे, और कल मैं आपको बताऊंगा, अगर हो सके सब तो ज़ैम्प डाउनलोड कर लेना, वो कैसे करते हैं मैं आपको रिकॉर्डिंग में बता दूंगा। ओके ओके, सो अभी हमने ईयर डायग्राम की बात कर रहे थे। तो ईयर डायग्राम क्या होता है? सो ईयर डायग्राम के अंदर अब मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ईयर डायग्राम बेसिकली आपकी होती है, ये हमने बात की कि उसको रिप्रेजेंट करना होता है अपने डेटाबेस को। तो अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, आप ज़ैम्प को किस तरह डाउनलोड कर सकते हो, जो हम स्टार्ट में बात कर रहे थे। तो आपने सिंपल इधर लिखना है ज़ैम्प डाउनलोड, आपका सी आ जाएगा, उसके बाद आप ये आपके पास वेबसाइट आ जाएगी अपाचे फ्रेंड्स की, apachefriends.org डाउनलोड। आपने इसके ऊपर क्लिक किया और इधर आपके पास ये
उसका इंटरफेस आ जाएगा। आप इसके अंदर से, मैं प्रेफर करता होता हूँ कि मैं सेकंड वाला पार्ट इसका जो होता है ना, जो मैंने बिट्स को डाउनलोड किया था, अब ये वर्जन आप इसका डाउनलोड 64 बिट कर लो, ठीक है। आप इस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर लो, और जब आप इंस्टॉल करके सब लोग रख लो, और इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर हम इसको स्टार्ट करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि PHP माई एडमिन पे हम काम किस तरह करते हैं। बाकी आप, ये थोड़ा सा टाइम लगता होता है, इसलिए मैं कहूँ ये प्रेफर करूँगा कि सब लोग पहले इसको इंस्टॉल कर लो। सो दिस इज़ हाउ यू कैन इंस्टॉल अपाचे फ्रेंड्स पे, ज़ैम्प डाउनलोड कर सकते हो। ओके, नाउ कम्स टू द थर्ड थिंग विच इज़ लूसिड चार्ट। तो अच्छा, लूसिड चार्ट को आप किस तरह कर सकते हो, सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ। आप लूसिड चार्ट इधर लिखो, तो जैसे लूसिड चार्ट आप लिखोगे तो ये आपके पास एक वेबसाइट आ जाएगी लूसिड चार्ट्स की। तो आपने इधर क्या करना है, साइन अप फ्री, तो मेरा साइन अप हुआ हुआ है तो वापसली मेरा हो जाएगा। बाकी अगर आप साइन अप करोगे तो साइन अप पे आओगे आप, और साइन अप पे आने के बाद आप, मेरा चलो ये साइन अप हुआ है तो वो मेरा इधर आ गया डायरेक्ट। और उसके अलावा आप अपने साइन अप करके ये फ्री वाला करंट प्लान चूज़ करो, आप इजीली साइन अप कर लोगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और साइन अप करने के बाद आप उसको लॉगिन कर लो। ओके, जब आप लॉगिन कर लोगे ना, तब आपके पास इस तरह एक डॉक्यूमेंट के ऊपर आ गया। आपने आते सार क्या करना है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट। जैसे ही आप क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पे करोगे क्लिक, तो यहाँ पे आपने सर्च टेम्पलेट के अंदर क्लिक करना है ER डायग्राम। ER डायग्राम करने के बाद आपने करना है डेटाबेस ER डायग्राम क्रोज टेम्पलेट, ये वाला थर्ड वन। इसका सीक्वेंस हो सकता है चेंज हो, आपको शायद फोर्थ एंड फिफ्थ नज़र आ रहा हो या थर्ड ही नज़र आ रहा हो, आई एम नॉट श्योर, बट आपने ये चीज़ देख लेनी है कि डेटाबेस ER डायग्राम हो वो, ठीक है। तो उसको आपने ओपन कर लेना। जब आप उसको ओपन कर लोगे तो क्या होगा, तब आपके पास इस तरह की एक डायग्राम ओपन हो जाएगी। सो ये अब वो नए पे एक डॉक्यूमेंट में ओपन हो रही है, तो इस तरह की आप एक डायग्राम ओपन हो जाएगी। सो इधर आके आप अपना डेटाबेस पूरा क्रिएट कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट योर डेटाबेस। फॉर एग्जांपल मैं इधर रिलेशनशिप बनाना चाह रहा हूँ यूनिवर्सिटी का, तो इधर मैं एक एंटिटी ऐड करता हूँ। ये मैंने एक एंटिटी क्रिएट की, और ये मैंने एक एंटिटी क्रिएट कर ली। ओके, इस इधर मैं इसका नाम रख देता हूँ, इस एंटिटी का नाम रख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। और इधर मैं कोर टेबल क्रिएट करता हूँ, सो दिस इज़ माई सेकेंड टेबल। इसका भी मैं नाम, इसका मैं नाम रख देता हूँ कोर्सेज, ठीक है। अच्छा, आप इस इधर मल्टीपल टेबल्स क्रिएट कर सकते हो, सो प्रॉब्लम इस चीज़ में नहीं है, जितने मर्ज़ी आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। इसके अंदर आप फील्ड्स के अंदर उनके नाम लिख सकते हो। टाइप, टाइप मीन्स कि आप उसके अंदर किस तरह का डेटा एंटर करना चाहते हो। इंटीजर है तो इंटीजर लिख दोगे, दूसरे इधर इंटीजर लिख दोगे तो ये चीज़ लिख दोगे। कीज़ की मतलब कि क्या ये आपकी प्राइमरी की है, नहीं है, अगर प्राइमरी की है तो PK लिख दो, अदरवाइज़ फॉरेन की है तो FK लिख दो, अदरवाइज़ ये चीज़ें लिख दो। और फील्ड मतलब कि उस कॉलम का नेम क्या है, तो ये चीज़ें आप लिख दोगे। अच्छा, मैं अभी सिर्फ ये चीज़ें करता हूँ, और इसके दरमियान में आपने रिलेशनशिप बनाना होगा, तो आप इस तरह आप इसका रिलेशनशिप भी बना सकते हो, ठीक है। आप इधर से आकर रिलेशनशिप आप बना रहे हो, तो आप इधर से आके उसकी चीज़ों को कन्वर्ट भी कर सकते हो कि आप किस तरह की शेप्स को बनाना चाह रहे हो, करना चाह रहे हो, ठीक है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जब डेटा बना लिया ना, अब इसको थोड़ा सा ट्राई करना, मैं अभी आपको ज़्यादा बना के दिखा नहीं रहा, अब ट्राई करना, आपको आइडिया हो जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज़ दिस कि आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। जब आप एक्सपोर्ट करोगे ना, ये आपके पास SQL आ गया, तो आप अगर इसको कॉपी टू क्लिक बोर्ड करोगे ना, तो आप इसको क्लिक कॉपी करके, तो आप जैसे ही इस SQL को रन करोगे, वो आपका डेटाबेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बेस्ड ऑन दिस स्कीमा। सो आप इसको ये डायग्राम कह सकते हो, डेटाबेस स्कीमा कह सकते हो, आप इसको ये चीज़ें कह सकते हो। तो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट डेटाबेस या डायग्राम क्रोज फुट, ठीक है। आप इसको मल्टी ज़्यादा और सोचना, आप अपने डायग्राम बना के देखना, किसी कंपनी का डेटाबेस बना के देखना कि उसके अंदर क्या रिलेशंस बनेंगे, क्या चीज़ें बनेंगी। ऊबर का डेटाबेस बना के देखना, फाउंड फूड पांडा का डेटाबेस बना के देखना, अपनी यूनिवर्सिटी का डेटाबेस बना के देखना कि उसका आपके साथ क्या रिलेशन है, आपका उसके साथ क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें करके देखना। सो उसके बाद एक्सपोर्ट करो। और सिंपल चीज़, जब हम फिर ज़ैम्प पे जाएंगे तो ज़ैम्प पे मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एक्सपोर्ट करके कैसे ऑटोमेटिकली डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ इट। आप ज़ैम्प पे, आपको पता चल गया लूसिड चार्ट और सिंपल डायग्राम्स, आपने यहाँ पे ये डायग्राम और सिंपल बाकी सब देख ली। सो ये सारी चीज़ें आपकी थी डेटाबेसिस के बेसिक्स, और उसके अलावा चीज़ें। टुमारो वी विल स्टार्ट
DDL विच इज़ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ओके, और इसके अलावा जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, कुछ भी होंगी, वो आप इस वीडियो ग्रुप में भी पूछ सकते हो, वीडियो को कमेंट में भी पूछ सकते हो, और या प्रीवियस वीडियोस को आप लाजमी देखें। और दिस इज़ इट। अल्लाह हाफिज़।